हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया रहोगे। नाउ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 2 ऑफ इनकम टैक्स रिवीजन। और यहाँ पे जो हम आज कवर करेंगे वो है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में या डेफिनेशंस के बारे में कि इनकम टैक्स में कुछ जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से वर्क करते हैं। इससे पहले हमने एक लेक्चर देखा था जहाँ पे हमने इनकम टैक्स की हिस्ट्री के बारे में समझा था। इसके अलावा हमने देखा था कि किस तरीके से इनकम टैक्स को लाया गया, किस तरीके से हमने एक्ट बनाया और किस तरीके से जो या जो अथॉरिटी ऑफ लॉ है यानी कि जो इनकम टैक्स का जो चार्जिंग है वो कौन तो उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारा इनकम टैक्स है। अब इनकम टैक्स जब हम बात करते हैं कि इनकम टैक्स, तो ये मतलब किसकी हमारी इनकम होगी जो, लेकिन यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा कि जो इंडिया है वो कई यूएसए के जो पर्संस हैं उनकी इनकम नहीं चार्ज कर सकता। दूसरी बात आती है कि इनकम में भी उनके पास एक लिमिटेशन है कि जैसे कौन सी इनकम पे हमें चार्ज करना है, किस तरीके से हमें चार्ज करना है, तो ये सब हमें इनकम टैक्स में समझना पड़ेगा। दूसरी बात आती है कि इनकम टैक्स में जो इनकम पे टैक्स हम चार्ज करेंगे वो कब इनकम पे कब चार्ज करेंगे यानी कि किस ड्यूरेशन में करेंगे। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि कब चार्ज की जाएगी, तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि इनकम कब अर्न हो उस पे हम चार्ज करें और टैक्स हम कब चार्ज करें। ठीक है, हम ऐसा नहीं कर सकते कि चलो एक महीना हो गया लाओ इनकम टैक्स दे दो, तीन महीने हो गए इनकम टैक्स दे दो, या छः महीने हो गए इनकम टैक्स दे दो, या एक साल हो गया इनकम टैक्स। तो इस तरीके से हमें एक ड्यूरेशन, हमें एक टाइम पीरियड बनाना पड़ेगा जहाँ पे हमें इनकम की भाई इस एक जो ड्यूरेशन है, इस एक जो वो है टाइम पीरियड, हमें उसका इनकम पे टैक्स दो। दूसरी बात आती है कि हमें टैक्स भी कब चार्ज करना है यानी कि जैसे ही एंड ऑफ द पीरियड होता है, यानी कि अगर हम रखते हैं कि आपको हर छः महीने में इनकम टैक्स देना है, तो जैसे ही छः महीने एंड हुए उसके कितने दिनों के अंदर अंदर आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। दूसरा और तीसरी चीज़ है कि जो इनकम टैक्स है यानी कि जिसकी इनकम पे हम टैक्स लगा रहे हैं, और जब हम इनकम टैक्स लगा रहे हैं तो इसका जो पेमेंट है वो किस तरीके से किया जाएगा, मतलब कि एडवांस पेमेंट किया जाएगा कि आप थोड़ा सा एडवांस पेमेंट कर दो, या किस तरीके से हमें वो पेमेंट करना है, ये हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें कवर करनी पड़ेगी। सबसे पहले अब यहाँ पे हम जो कुछ डेफिनेशंस देख रहे हैं इनकी मैंने जो नोट्स है वो अपनी वेबसाइट www.cashubhamjain.info पे डाल दी है, जिसका लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। लेकिन यहाँ हम जो नॉर्मली डिस्कस करते हैं कि इन डेफिनेशंस में क्या बोला गया, तो यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला कि कुछ पर्संस होंगे, ठीक है, ये होगा पर्सन, इनको हम अभी देखेंगे कि ये कौन होते हैं। ठीक है, तो पर्सन में जो हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है वो ये होता है कि जिनके जो दो आँख नाक मुंह है, तो वो पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं। लेकिन पर्सन की डेफिनेशन इससे कहीं ज़्यादा वाइड है, यानी कि ये तो इंक्लूड है ही, इसके साथ साथ जैसे अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिज़नेस को भी इन्होंने पर्सन में इंक्लूड किया है, अगर आप किसी के साथ पार्टनर में बिजनेस कर रहे हो तो उसको भी इन्होंने पर्सन में इंक्लूड किया है, बड़ी बड़ी कंपनीज को भी इन्होंने पर्सन में इंक्लूड किया है, भगवान जो है उनको भी इन्होंने पर्सन में इंक्लूड किया है, यहाँ तक कि इन्होंने जो आपकी लोकल अथॉरिटी है यानी कि जो आपके डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होती है, अगर आप शहरों में रह रहे हो तो जैसे मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, तो इन ये जो बड़े बड़े डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ है, लोकल अथॉरिटीज़ है, इनको भी इन्होंने पर्सन में कवर किया है। अब ये पर्सन के ऊपर जैसे ही वो पर्सन टैक्स का पेमेंट करता है या फिर वो टैक्स के लिए लायबल होता है, अब टैक्स के लिए लायबल कब होगा तो हम देखेंगे कि जब जब कुछ इवेंट ऑकर होंगे यानी कि जब जब कोई इवेंट की घटित होगा तब तक टैक्स लगता है, यानी कि ऐसा नहीं कि हर एक पर्सन पे टैक्स लगाया जाएगा, ये सिचुएशन वाइज हम आगे जो है डिस्कस करेंगे कि कब कब किसी पर्सन पे टैक्स लगाया जा सकता है। तो जब भी वो टैक्स के लिए लायबल होगा उसे हम बोलेंगे असेसी। यानी सबसे पहले इन्होंने कहा कि कई सारे जो इंडिया में जितने भी लोग हैं उनके अलावा कंपनी हो गई, पार्टनरशिप्स हो गए, जितने भी बिजनेस हो गए, उन सबको हम पर्सन की डेफिनेशन में कवर करेंगे जैसे ही उनके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी आएगी। और टैक्स की लायबिलिटी कब आएगी, कुछ इवेंट्स जो है वो होंगे तब टैक्स की लायबिलिटी आएगी। तो ये जो इवेंट है ये हम आगे
डिस्कस करेंगे। अब जो भी टैक्स के लिए लाइबल होगा वो कहलाता है असेसी। असेसी का मतलब क्या हो गया कि एवरी पर्सन हु इज़ लाइबल टू पे टैक्स और इन डिफॉल्ट, यानी कि जिसको पे करना था टैक्स लेकिन उसने पे नहीं किया, उसने डिफॉल्ट किया। अब वो असेसी जो पेमेंट करेगा, अब ये पेमेंट किस तरीके से करेगा, तो सबसे पहले ये एक साल के अंदर इनकम को अर्न करेगा, ठीक है, इनकम को अर्न करेगा, उसे गिनेगा, उसको अच्छी तरीके से काउंटिंग कर लेगा, उसको देख लेगा और अपना जो है ना आँखें वगैरह बस चमका लेगा। उसके बाद ये इनकम अर्न होने के बाद उसे नेक्स्ट ईयर में पेमेंट करना है टैक्स का, पेमेंट ऑफ टैक्स, यानी कि एक साल वो कमाएगा और उसके नेक्स्ट ईयर में वो इसको पेमेंट करेगा। अब नेक्स्ट ईयर की कब तक उसे पेमेंट करना है ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे जिस साल उसने इनकम अर्न की उसे इनकम टैक्स की भाषा में बोला जाता है प्रीवियस ईयर। तो जब भी मैं प्रीवियस ईयर बोलूँ उसका मतलब हो गया कि वो साल जहाँ पे असेसी ने इनकम को अर्न किया, क्या वो साल जहाँ पे असेसी ने इनकम को अर्न किया, वहीं पे अगर मैं ये बोलूँ कि असेसमेंट ईयर, ठीक है, असेसमेंट ईयर, तो असेसमेंट ईयर का मतलब हो गया वो साल जहाँ पे जिस साल में पेमेंट ऑफ टैक्स किया जाएगा, ठीक है। अब आपके मन में आएगा कि सर हम इनकम, जैसे कि ये हमारा एक साल हो गया तो ये दूसरा साल हो गया, तो हम यहाँ पर भी अर्न करेंगे और यहाँ पर भी अर्न करेंगे, ऐसा तो होगा नहीं कि यहाँ अर्न करेंगे और यहाँ टैक्स का पेमेंट करेंगे, फिर यहाँ अर्न करेंगे, फिर यहाँ टैक्स का, ऐसा नहीं होगा। अब लेकिन फिर सर इसे प्रीवियस ईयर भी बोलेंगे और इसे असेसमेंट ईयर भी बोलेंगे, ऐसा? हाँ, ऐसा ही कुछ। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जब मैं प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूँ इसका मतलब है कि मैं ये बात कर रहा हूँ कि आपको इस ईयर का इनकम पे टैक्स देना है। वहीं अगर मैं असेसमेंट ईयर की बात कर रहा हूँ इसका मतलब है कि इस ईयर की इनकम पे टैक्स नहीं देना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये बात कर रहा है कि इस ईयर में आपको टैक्स देना है, ठीक है। लेट अंडरस्टैंड वन थिंग मोर क्लियर, कि जब आप प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हो इसका मतलब है कि वो आपसे ये कहना चाहता है कि इस साल की इनकम पे टैक्स देना है। वहीं अगर आप असेसमेंट ईयर की बात कर रहे हो इसका मतलब है आप ये कहना चाह रहे हो कि इस साल आपको टैक्स देना है, ये वो साल है जब आपने टैक्स पे किया था। ऑटोमेटिकली जब आप असेसमेंट ईयर बोलते हो तो उसका जो पिछला साल है वो प्रीवियस ईयर हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर में डिफरेंस। अब यहाँ एक वर्ड आया असेसमेंट, ठीक है। असेसमेंट किसे बोला जाता है? तो असेसमेंट बोला जाता है इस पूरी प्रोसेस को कि जहाँ आप अपनी इनकम को डिटरमाइन कर रहे हो, आपने इनकम को कैलकुलेट किया, उसके बाद आपने टैक्स को कैलकुलेट किया और टैक्स को पेमेंट किया, ये जो पूरी प्रोसेस है ये कहलाती है असेसमेंट, करती है असेसमेंट, ठीक है। यानी किसी चीज़ को असेस करना, किसी चीज़ को जानना, किसी चीज़ को पहचाना कि आपकी इनकम क्या थी, उस पर आपका टैक्स क्या बनता है और वो आपने पेमेंट किया या नहीं किया, तो ये जो कंप्लीट चीज़ है ये कहलाती है असेसमेंट। नाउ ये हमारा हो गया, जहाँ हमने आज देखा कि पर्सन क्या हुआ, उसके अलावा हमने देखा असेसी क्या हुआ, ईयर प्रीवियस ईयर हमने देखा और असेसमेंट ईयर देखा, और उसके अलावा असेसमेंट की डेफिनेशन देखी। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं पर्सन के अंदर क्या क्या उन्होंने इंक्लूड किया है। तो पर्सन में उन्होंने ये बोला कि देखिए मैं नहीं बता सकता कि पर्सन कौन कौन है, सॉरी पर्सन क्या होगा, लेकिन पर्सन कौन होगा मैं ये बता सकता हूँ, ठीक है। इनकम टैक्स ने ये पूछा, हमने पूछा कि सर बताइए पर्सन कौन, क्योंकि अगर मेरे को टैक्स देना है या मेरे ऊपर अगर आपको लाइबिलिटी लानी है टैक्स की तो मेरा पर्सन होना बहुत ज़रूरी है। तो पर्सन कौन, तो पर्सन में उन्होंने कहा कि हम एक लिस्ट दे देते हैं और उस लिस्ट में 7 हमने कैटेगरीज बनाई, अगर आप इन 7 कैटेगरीज में फॉल करते हो तो आप पर्सन हो, अगर आप इन 7 कैटेगरीज में फॉल नहीं करते तो आप पर्सन नहीं। सबसे पहले उन्होंने बोला इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब हो गया कि जिसके 2 आँख नाक मुंह कान है, ठीक है, तो ये कहलाते हैं इंडिविजुअल। उसके बाद उन्होंने कहा HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। यानी क्या होता है कि जब भी आप देखिए, क्योंकि क्या होता है कई सारे जो बिजनेस है वो इंडिया में आज भी फैमिली के द्वारा मेंटेन किए जाते हैं, तो ऐसे में जो वो फैमिली है, ठीक है, अगर तो उसे उन्होंने क्या है HUF बोला। उसके बाद आता है फर्म। फर्म का मतलब हो गया पार्टनरशिप फर्म। अगर आप किसी 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के साथ मिल करके कोई बिजनेस करते हो तो ठीक है, आप तो एक पर्सन हो ही, लेकिन आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया है दोनों ने साथ में मिल करके वो एक अलग पर्सन की कैटेगरी में आएगा। यानी अगर आप 2 लोग मिलकर के कोई एक बिजनेस चलाते हो तो आप अलग
आपका पार्टनर अलग और वो फर्म अलग, यानी कि टोटल कितने पर्सन हो गए, 3% यहाँ पे काउंट किए जाएंगे इनकम टैक्स के द्वारा। फोर्थ नंबर में उन्होंने बोला कंपनी। अब कंपनी का डेफिनेशन क्या है, उन्होंने सिंपल सी बोला कंपनी हर वो कंपनी जो 2013 की कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हुई है, 1956 के कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हुई है, या इससे पहले से चली आ रही है, जिसको हमने कंपनी को मान कर के जो है असेसमेंट किया है, कंपनी मान कर के उन्होंने टैक्स किया है। क्या क्या 2013 में अगर उन्होंने कंपनी के रूप में रजिस्टर करवाया है, 1956 में कंपनी के रूप में रजिस्टर करवाया है, या फिर ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने कंपनी मान कर के अपने आप का टैक्स करवाया है। तो ये चार चीज़ें हो गई हमने यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने फिफ्थ बोला AOP और BOI, नाउ एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। देखिए इनको एक बार के लिए मानिए कि ये एक ही चीज़ है, इनमें क्या मेन डिफरेंस है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये क्या होता है कि जब आप फर्म की बात करते हो, यानी कि दो लोग आप मिले और आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो वो अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है, एक पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन होता है प्रॉपर, जहां आप एक स्टाम्प पेपर पे हर वो चीज़ लिखते हो कि हम कितना प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे, कितना कैपिटल लेकर के आएंगे, ठीक है, आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। तो वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर अगर आपने हर चीज़ लिखी है, फिर उसको ले जा कर के आपने रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के वहाँ पे स्टेट में वहाँ ऑफिस होता है, ठीक है, उद्योग, ठीक है, तो जो उद्योग रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ पे, तो वहाँ आप जाकर के अगर इसका रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो क्या होगा कि उसे हम बोलेंगे पार्टनरशिप फर्म। लेकिन अगर आपने उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो हम उसे बोलेंगे AOP या BOI। नाउ AOP और BOI में डिफरेंस क्या है, अगर आप केवल इंडिविजुअल मिलकर के फर्म बनाते हो, यानी मैं और मेरा दोस्त, ठीक है, दोनों इंडिविजुअल है, वो मिलकर के अगर फर्म बना रहे हैं तो वो होगा BOI। लेकिन अगर मैं और मेरी एक कंपनी, वो दोनों मिलकर के बना रहे हैं, तो वो कहलाएगा एसोसिएशन ऑफ पर्सन, या मैं और फर्म, मैं या मेरी एक और फर्म थी, ठीक है, किसी और पार्टनर के साथ, वो दोनों मिलकर के, या मैं और कोई और थर्ड फर्म। तो यानी अगर दो इंडिविजुअल है तो वो है BOI, लेकिन अगर दो इंडिविजुअल नहीं है, ठीक है, कोई भी है, यानी कि HUF फर्म हो गया, HUF कंपनी हो गया, फर्म कंपनी हो गया, फर्म इंडिविजुअल हो गया, तो अगर ऐसा है तो वो कहलाता है AOP। उसके बाद ये पांच चीज़ हो गई। सिक्स नंबर पे आता है लोकल अथॉरिटी। जैसे मैंने आपको बताया था डेवलपमेंट अथॉरिटी जो होती है सिटीज़ की, तो वो कहलाती है लोकल अथॉरिटी। इसके अलावा सेवन्थ नंबर पे आता है लोकल अथॉरिटी के बाद आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अब सर ये कौन होता है, तो ये वो पर्सन होते हैं जैसे आपने देखा होगा गॉड भगवान जो है उनको इस श्रेणी में रखा गया है, यानी कि जो आर्टिफिशियल है लेकिन उनको हम जुडिशियली पर्सन मानेंगे, यानी कि कानून के अंतर्गत हम उन्हें पर्सन मानेंगे, लेकिन वो एक आर्टिफिशियल है, ठीक है, वो कृत्रिम चीज़ है, ठीक है, वो रियलिटी में नहीं है, ठीक है, लेकिन हम कानून की नज़र में उन्हें पर्सन मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि हमें टैक्स चाहिए, हमें टैक्स चाहिए, और अगर हमें टैक्स चाहिए तो हमें उन्हें पर्सन बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास पावर है केवल उन पर्सन से ही टैक्स लेने की जो पर्सन में आते हैं। अगर वो पर्सन में नहीं आते हम उनसे टैक्स नहीं ले सकते, तो हमने भगवान को भी पर्सन में डालना था। पर्सन में डालने के लिए उन्होंने एक कैटेगरी बनाई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है जो हमने यहाँ पे सीखा, एक बार समराइज हम उसको समझ लेते हैं। क्या क्या हमने सीखा, सबसे पहले हमने कुछ डेफिनेशंस देखी जिसमें हमने पर्सन को देखा, पर्सन में सात कैटेगरीज हमने देखी। दूसरा जो हमने देखा चीज़ें वो थी कि असेसी किसे बोलते हैं, यानी कि हर वो पर्सन जिसे टैक्स देना है। थर्ड नंबर पे हमने देखा प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन, जिस साल हम इनकम अर्न करते हैं। फोर्थ नंबर पे हमने देखा असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन, यानी कि जिस साल हमें टैक्स का पेमेंट करना है। और फिफ्थ, या इसको देखिए मैंने जो ये बोला कि टैक्स का पेमेंट करना है, इसको और थोड़ा अगर एप्रोप्रिएट वर्ड में मैं बोलूँ तो प्रीवियस ईयर का अगला वाला साल असेसमेंट ईयर कहलाता है, ठीक है, इसको ऐसे नहीं लेते हैं कि टैक्स पेमेंट, क्योंकि कुछ सिचुएशन में आपको पेमेंट प्रीवियस ईयर में भी करना पड़ सकता है टैक्स का, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लेते हैं कि प्रीवियस ईयर का जो नेक्स्ट ईयर है वो असेसमेंट ईयर कहलाएगा। उसके अलावा हमने यहाँ पे एक और चीज़ देखी कि असेसमेंट किसे बोलते हैं, ठीक है, नाउ ये पांच डेफिनेशन हमने देखी। इसके अलावा पर्सन में हमने जो सात कैटेगरीज देखी उनको भी हमने समझा कि ये क्या होता है। नाउ आज का वीडियो लेक्चर बस इतना ही है, अगला वाला लेक्चर जो है आपको काफ़ी प्रैक्टिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और काफ़ी उसमें मज़ा भी आएगा, क्योंकि हम वहाँ पे जानेंगे कि टैक्स किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो आज का वीडियो बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, गुड डे, गुड बाय।